अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका ट्यूटर फारुख नदीम। आज एस्पायर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम लोग एक ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उसमें आप आर्क पैटर्न वगैरह को पढ़ सकेंगे। मैं ट्यूटोरियल का आगाज़ करता हूं एक नई फाइल के साथ। है इसमें भी डोर, जैसा कि लास्ट हमारी एक्सरसाइज में डोर था, इसमें भी हम लोग डोर को पढ़ेंगे, लेकिन डोर के अंदर जो इस दफ़ा ड्राइंग है वो पहली ड्राइंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। मेन मकसद हमारा सीखना है, और सीखने के लिए मैं हमेशा ऐसी एक्सरसाइज का सहारा लेता हूँ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का जो साइज़ है वो एक डबल डोर जैसा से होता है उसके मुताबिक मैं रख रहा हूँ। 72 इंच इसकी विड्थ होगी, 96 इंच इसकी हाइट होगी, और थिकनेस, चूँकि हमारे पास 75.75 जो है, और थिकनेस हमारे पास 0.75 यानी 0.25 इंच जिसको हम कहते हैं, वो वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे। वो करने के बाद इसको जैसे ही बाकी सेटिंग सारी आप एज इट इज ही रखेंगे, मैं इसको ओके करता हूँ। हमारे पास फाइल मौजूद है जिसके ऊपर हमने काम करना है। एक्चुअली इस पर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं स्क्रीन को थोड़ा साइड पे करता हूँ, और यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ उसकी फाइल इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट का आपको ऑलरेडी पता है, इंपोर्ट बिटमैप यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इंपोर्ट में आके इंपोर्ट बिटमैप यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं जैसे ही इंपोर्ट बिटमैप पे आऊँगा तो हमने यहाँ पर एक डोर यहाँ पर रखा हुआ है, मैं उस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ, और इस फाइल को मैं स्केल करूंगा। स्केल की कमांड से कर लें या जैसे भी वैल्यू लिख के करना चाहते हैं जैसे कर लेगा। जी, मैंने शिफ्ट को होल्ड रखा और डोर को अप्रॉक्सीमेटली उस ड्राइंग के मुताबिक खोल दिया, और इसको मूव कर लें आल्ट को होल्ड रखते हुए एक साइड पे मूव कर लें, ताकि बिल्कुल सीधा ये जो इमेज है सीधा मूव हो सके। ये हमारे पास डोर है, दरवाज़ा है, इसका एक साइड ये, दूसरी साइड ये, इन दोनों के ऊपर आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन जो है वो मिरर फॉर्म में लगा हुआ है। तो इस डिज़ाइन को टेक्निकली हम लोग डिज़ाइन करेंगे। मैं कतन भी आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रेस करें, लेकिन ट्रेस करना एक ट्रेसर का काम है, आपका नहीं है। आप एक डिज़ाइनर हैं, आपके पास कई ऐसे डिज़ाइन भी आएंगे जो पहले से मौजूद नहीं हैं, तो आपको ख़ुद से करना आना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में एक बात कही थी कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेक्निकल तरीके से डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। ट्रेस करना हमारा मकसद नहीं है, और ना ही ट्रेस करके बंदा काम करता है, वो वक्त गुजारता है। आपको फ़न आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। आप कुछ नया करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकेंगे। वैसे भी मैं बताता चलूं, अगर आप ज्योमेट्रिकली डिज़ाइन को मैनेज करेंगे तो आपके लिए डिज़ाइन भी आसान होगा और सॉफ्टवेयर भी आसान होगा, और अगर आपने ये ना किया तो आपके लिए दोनों चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। क्यों? आपको बेसिक टेक्निक नहीं आती। तो आज की हमारी जो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसमें कुछ नए टूल्स, डेफिनेटली हमेशा नए ही पढ़ने होते हैं हमने, इन टूल जिनको हम लोग इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में रखेंगे वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उनका देता जाऊं। इसमें हम लोग यहाँ पे एक टूल है डायमेंशन का, इस डायमेंशन टूल को पढ़ेंगे। इसी तरह से हम आर्क को पढ़ेंगे। आर्क के साथ साथ हम यहाँ पे ये हमारे पास सर्कुलर कॉपी है जिसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में अरे का नाम भी देते हैं, हम अरे को पढ़ेंगे। ऑफसेट डेफिनेटली आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑफसेट इसमें रिपीट होगा, और ये जॉइन की कमांड को यहाँ पे डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली मिरर वगैरह इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन को देखेंगे। ये ऑलरेडी जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपने इस रिक्वायर्ड एरिया के इक्वल कर लिया। डायमेंशन में आ जाए, डायमेंशन में जैसे ही हम आएंगे तो मुझे सबसे पहले इसका ये जो बॉर्डर एरिया है वो लेना होगा। तो बॉर्डर एरिया किसी एक साइड से आप ले लें, आपने डायमेंशन पे आना है तो हमने लेंथ डायमेंशन लेनी है। तो लेंथ डायमेंशन के लिए आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, और यहां पर आप आल्ट का सहारा ले लें, या वैसे ही आप खुद भी इसको करेंगे तो वो इजीली इसको ले लेगा। ये मैंने इस पॉइंट तक क्लिक किया, और यहाँ पे देखे उसने 4.6 डायमेंशन वैल्यू उसकी पुट कर दी, क्योंकि हमने ये फाइल इंचेस में बनाई हुई है तो वो इंचेस में ही इसकी वैल्यू देगा। तो मैंने दूसरी डायमेंशन उसे आगे वाली यहाँ पे डाली तो ये 0.9 आ गई। अच्छा, अब ये चूंकि एक इमेज फाइल है, इसमें साइज की बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है,
तो यहाँ पे देखिए मैं इस साइड से भी उसको वेरीफाई करने के लिए डायमेंशन लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये एरिया मैंने लिया, ये 4.1 आ रहा है, यहाँ पे 4.6 आ रहा है, हालांकि ये दोनों सेम है। तो ये बाजार में देखिएगा, ये मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये बिट मैप है और इसमें इस तरह की वेरिएशन आ सकती है, ये 0.8 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बॉटम साइड पे आऊँगा तो यहाँ पर भी आपको फ़र्क मिलेगा, यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये 4.7 आ गया। तो हमने हमेशा एवरेज में रहना होता है, एवरेज हमें क्या कह रही है कि आप इसको 4.5 रख लें। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप या आपका कारपेंटर आपको इसमें बेहतर गाइड कर सकता है कि आप इसकी विड्थ, ये एक्चुअली ये विड्थ कौन सी है, ये डोर का फ्रेम होता है, यानी ये फ्रंट पे तो उसके ये पैनल लगे होते हैं लेकिन अंदर जो मेन उसका स्ट्रक्चर बना होता है वो वुड का बना होता है, बाहर तो हम उसके मुख्तलिफ मटेरियल को अप्लाई करते हैं लेकिन इन साइड पर उसका वुडन स्ट्रक्चर होता है। और ये वाला जो साइज है ये बेसिकली उस वुडन स्ट्रक्चर का साइज होता है, यानी इसमें जो आप लकड़ी की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का जो पीस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विड्थ को यहाँ पे मलहूज़े खातर रखा जाता है। इसको वाइड रखना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि इसके अंदर लॉक लगने होते हैं, इसके अंदर कोई भी आप दूसरा सिस्टम इसमें लगाना चाहते हैं, इसका जो मैकेनिकल निज़ाम लगता है वो भी इसमें लगाना होता है। तो मैं इसको प्लान ये करता हूँ कि मैं इस ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं 4.5 ले लूँ, 4.5, और आगे ये वाला जो हमारा स्टेप डाउन हुआ हुआ है ये बेसिकली वो जो एक इस पर डिज़ाइन बना होता है, एक प्रोफाइल चल रही होती है, ये बेसिकली वो वाला डिज़ाइन है। तो ये हम जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो मैं प्लान ये किया कि इस एरिए को 1 इंच रख लें और इसको हम 4.5 इंच रख लेते हैं, तो इस तरह से पूरा ये जो साइज है 4.5 + 1 5.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से मजीद अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इन डायमेंशंस को भी यहाँ से ये चेक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास ये 3.5 आ गया, आगे फिर ये 1.1 का आ गया, और यहाँ से ये डायमेंशन क्योंकि हमने सारे डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड हैं 2.6 आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ से भी इसका ऑफसेट एक बनाता हूँ। ये मेन मेन डायमेंशंस आप ज़रूर ले लें ताकि जब आप काम शुरू करें तो आपको दोबारा डायमेंशंस ना लेनी पड़े। ये देखें ये 3 इधर से 3 इधर से। इसी तरह से ये वाली जो डायमेंशन है आप गौर कीजिएगा, ये लेंथन थी, यानी दो पॉइंट को जैसे हम क्लिक करेंगे तो डायमेंशन की, ये है वर्टिकल डायमेंशन। अब देखिएगा वर्टिकल डायमेंशन कैसे बनती है, मैं ये यहाँ से ले कर ये वाला एज लेना है तो ये देखें ये वर्टिकल डायमेंशन आ गई। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अगर मैं करना चाहूँगा तो यहाँ से लेके मैं यही वाला पॉइंट दूंगा तो इस साइड की डायमेंशन आ गई, यानी 4 इधर है और 4.5 अप्रॉक्सीमेटली हम इधर। मैं इसको राउंड फिगर में इसलिए ले रहा हूँ काम करना आसान हो आपको। ऐसे ही इसका डायमीटर अगर हमें चाहिए होगा तो डायमीटर के लिए मैं बिल्कुल इनको आमने सामने की डायमेंशन मार्क करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ तक ये डायमेंशन, और इसका हमारे पास जो डायमीटर आ गया वो इधर से 11 है, और इस साइड को भी हम उसका डायमीटर मेजर करवाते हैं ताकि हमें इसके लिए हमें डायमेंशन लेना होगी वर्टिकल। इधर भी 11, यानी ये वाला जो हमारा डायमीटर है ये 11 का डायमीटर लगा हुआ है। इसी तरह से इसके इन साइड पे जो डायमीटर है मैं इसका भी साइज ले लेता हूँ। एक बात मैं अपने साथियों से ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो अक्सर मैं देखता हूँ लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास ड्राइंग है तो वो यहाँ से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब मुझे अगर ये डायमेंशन चाहिए वो यहीं पे क्लिक कर रहे होंगे जी, ये बड़ा वो मेहनत के साथ यहाँ पे आएंगे, तो ये तरीकाकार गलत है। फ़र्ज़ करें अब मुझे ये इस सर्कल की डायमेंशन, एक तो मुझे भाई क्या ज़रूरत है कि मैं इतना बारीकी में जा के इसको एक्यूरेसियाँ बनाता फिरूँ, ज़रूरत नहीं है। ये देखें फ़र्क आ गया। तो भाई आपको टूल मिला हुआ है, आप टूल को यूटिलाइज़ करें, करीब आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, आपने मिडल बटन को प्रेस करके उसको आप पैन कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लें और उसके प्रॉपर डायमेंशन लें। ये देखें आप डायमेंशन में फ़र्क आ गया, 5.6 थी और 5.5 आ गई। तो इस तरह से मैं पर्सनली हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये सिलेक्ट करके मैंने इजाफी डिलीट कर दी, मैं पर्सनली हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऐसी गलती ना करें
आपने जब भी काम करना है बड़े अच्छे तरीके से खुले हाथ काम करें, जूम कोई इस पे खर्चा नहीं आएगा, आप 10 दफ़ा जूम करें, 10,000 दफ़ा जूम करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से और इसमें कोई ऐसी ख़ास डायमेंशन नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत पड़े। डिज़ाइन का आगाज़ करते हैं, ये एक रेफरेंस आप बना लें ताकि आपके ये भी काम आए कि इसने इसको इस एज से ये हम लेंथन लेते हैं, ये वाला इस एज से कितने फासले पे आर्क बना हुआ है। सो डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब डायमेंशन को टेक्स हाइट को यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब मैंने ये लिया ताकि मेरा डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो, मैंने इसलिए उसको बारीकी में किया। ये बेसिकली कुछ प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं। डायमेंशन का साइज बहुत बड़ा कर देना, ड्राइंग छोटी रह जाती है, डायमेंशन बड़ी हो जाती है। भाई ऐसा नहीं करना, डायमेंशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए जो रीडेबल हो। डायमेंशन को बहुत बड़ा करना, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना, ये ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ही किसकी है, आपके डिज़ाइन की। डायमेंशन काम करने के लिए चाहिए, लेकिन समझने के लिए तो आपको डिज़ाइन चाहिए। तो जब बंदा काम कर रहा होता है तो फिर वो क्लोज उसकी वैल्यूज को ले लेता है। ये बहुत छोटा साइज है, लेकिन इतना बड़ा आपने नहीं करना कि वो ज्यादा हो जाए। मैं सपोज इसको 0.4 अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट हाइट को, तो ये देखें, काफी है, इससे बड़ा नहीं करना आपने। अच्छा, ये हम डिजाइन का आगाज करते हैं, डायमेंशन आपकी हो गई। यहां से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, क्योंकि हमारे दरवाजे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला। तो हम सबसे पहले इसकी डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने का तरीकाकार क्या है कि आप एक यहाँ पे गाइडलाइन लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल को इस तरीके से लगाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही आप इससे करीब आएंगे तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी एक्स विड्थ 36 इंचेस बता दी, क्योंकि आपने 72 इसकी विड्थ रखी हुई थी, तो 36 पे ऑटोमेटिकली उसने उसके मिड पे ये रेक्टेंगल लगा दी। तो मैं फिलहाल इसी रेक्टेंगल पे काम करूंगा, दूसरी साइड जो है वो हम लोग बाद में मिरर करेंगे। तो रेक्टेंगल वाले पोर्शन को मैंने क्लोज किया, अब इस रेक्टेंगल की हेल्प से आप यहां पे गाइडलाइन लगा लें। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऑफसेट को यूज करें। ऑफसेट में आप इसको 4.5 इंच 4.5 मैंने ऑफसेट किया इनसाइड पे, तो ये ऑफसेट हो गया। इसके ऊपर भी आप गाइडलाइन लगा लें, जूम करके अच्छे तरीके से इनको मैनेज करें। ये गाइडलाइन मैंने इस साइड पे लगाई, इस साइड पे लगाई, बॉटम कॉर्नर पे आए, और इसी तरह से एक ये गाइडलाइन लग गई, एक ये गाइडलाइन लगी, और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर द टाइम बीइंग, इसको हम बाद में दोबारा ड्रॉ करना पड़ा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। एज पर डिज़ाइन आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, एज पर डिज़ाइन चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं इसका आगाज़ करूँगा इस पॉइंट से। ये जो एक सर्कल लगा हुआ है, सर्कल की हमने डायमेंशन जैसे ऑलरेडी ली हुई हैं, एक डायमेंशन हमें इसकी और रिक्वायर्ड है, वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन लें, और डायमेंशन में उसको मैंने लिया वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में क्या है कि अप्रोक्सीमेटली इसके सेंटर से जो एज है वो कितने फासले पे है, वो है 37.5 रखेंगे इसको, 37.5। तो ये चूंकि इमेज थोड़ा सा इससे छोटा भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा। मैं उसके मुताबिक इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, यानी मैं इसको 38 पूरा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आप यहाँ पे गाइडलाइन भी लगाएं, इसको क्लोज करें। अप्रॉक्सीमेटली ये देखें 38, जैसे मैंने वहाँ पे आया तो 38 पे उसने गाइडलाइन मुझे प्रोवाइड कर दी। इसी तरह से ये मेरे पास गाइडलाइन आ गई, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसके ऊपर मैंने ये सर्कल ड्रा किया, सर्कल का रेडियस जो है वो मैं रख रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट इतनी एक्यूरेसी में नहीं देगा, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर भी इसको गाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली उसका सेंटर पॉइंट है, और ये उसका डायमीटर यहाँ पे आप ले लें, ये था 11, मैंने ये अप्लाई कर दिया। क्लोज करें। अच्छा, साथी क्या करते हैं कि इनके ऊपर ट्रेस कर रहे होते हैं, तो भाई उस तरह का काम नहीं करता कोई भी। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती ना कीजिएगा। आपने जब भी काम करना है
देखें डिजाइन को, रेफरेंस जरूर लें उसे, ज्योमेट्री उसकी समझें और फिर उसके बाद आगे चलें। तो ये मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया और इस सर्कल को दोनों साइडों पे मिड भी कर लेते हैं। अगर आप मजीद इसको अच्छे तरीके से मिड करना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपने लाइन ऑलरेडी लगाई थी तो ये उसका 18 साइज आ गया। तो ये देखें, ये उसकी मिड लाइन यहाँ पे बन गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिड लाइन में है। आप अगर इसको गाइडलाइन के साथ यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गाइडलाइन भी रख सकते हैं। ये देख, मैंने इसको रिमूव किया जो लाइन लगाई थी, गाइडलाइन आ गई यहाँ पे। ये आपको ज्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना गाइडलाइन और इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास अलाइन का ऑप्शन मौजूद है। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और बाहर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें ये, और अलाइन के साथ आप इनको यहाँ पे कह सकते हैं सेंटर, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर करेगा, गाइडलाइन की जरूरत नहीं होगी आपकी। लेकिन ये चूंकि आपको सिखा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ का इलम होना चाहिए, कमांड भी तो हमने पढ़नी है। तो जैसे ही हमने इतना काम किया, आपने देखा कि यहाँ से इसका ऑफसेट 3 है, तो अभी इसका हम ऑफसेट लेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट पकड़ा, इसका ऑफसेट लिया, ऑफसेट इसका 3 के साथ लिया और आउटसाइड पे लिया, ऑफसेट कर दिया, ये बाहर वाली लाइन इसकी आ गई। इसी तरह से इसके साथ ही हमने एक ये जो रेक्टेंगल है ये ड्रॉ करनी है। तो यहां पर आप देखिए, हमने एक मेजरमेंट ली थी 4 and 5 ले ले इसको, या 4.75 कर ले, यानी इस साइड से 4 और इस साइड पे 4.7। तो ये एक्चुअली क्या है, हमें यहाँ पर एक रेफरेंस रिक्वायर्ड है। आप इसको, मैं आसान तरीन वे आपको देने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने ये नीचे किया तो ये इस वक्त 4.5 आ गया, ये पे यहाँ पे 4.5 अपसाइड पे था, यहाँ पे हमें 4 करना है। तो मैंने ये अप्लाई किया तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा के हम इसके ऊपर भी ला सकते हैं। मूव को पकड़े, मूव की कमांड को लिया और ये यहाँ पे पोजीशन दे, ये जस्ट एक रेफरेंस मैंने लगाया। इस साइड पे मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, अब ये किस लिए ला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम उसके ट्रांसफॉर्म पे आएंगे। तो मैंने इस साइड पे उसको 4.5 कहा। अच्छा, आपने जैसे इधर से 4.5 कहा तो ये चूंकि लिंक एक्स वाई हुआ हुआ तो उसने उधर से भी वैल्यू चेंज कर दी, तो मैंने इसे उसे 4 कह के अप्लाई कर दिया। तो ये देखें, डायमेंशन को ध्यान में रखिएगा, 4.5 और 4 किया इधर से। अब 4.5 या 4.75 करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये देखें 4.75 अप्लाई किया, इसको मूव करवा लें इस कार्नर पे, ये आपके पास सिर्फ रेफरेंस आ गया। अच्छा, एक टेक्निकली मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये जो हमने यहां पे रेफरेंस बनाया, ये ऑलरेडी ये जो इतना माइनस सा डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली वो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि हमने जो वैल्यू ली थी, ये जो हमारा सर्कल जाएगा ऑटोमेटिकली वो एज क्रिएट करेगा। अब हमें यहां पर एक गाइडलाइन चाहिए, ये मैंने इस डायलॉग को क्लोज किया और यहां से ये गाइडलाइन दे दी। अब इस गाइडलाइन से आर्क हम जनरेट करेंगे और ऐसी आर्क जो इस एज को क्रॉस करे इसके साथ होते हुए वापस यहां पे आए, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आर्क इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर्क लगाई। अब ये जरा आपके अंडरस्टैंड करने की चीज है, ये प्लीज देखिएगा, ये देखे कार्नर उस पर आ गया ये, और यहां पर क्लिक कर दें। ये हमने बेसिकली इसके साथ रेफरेंस बनाया। मैंने जब जैसे ये क्लिक आर्क कंप्लीट किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतना सा काम था जो हमने कर लिया। अब इस काम के साथ ट्रिम की कमांड यूज़ करें, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिम की कमांड है, ये सीजर आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रिम की कमांड है। देखिएगा, मैंने ये ट्रिम किया, इन साइड पर ट्रिम किया, यहाँ से और आप इस डिज़ाइन का ये देखें, शोल्डर उसका बन गया। लाइन की कमांड को यूज़ करते हैं, मैंने इस पॉइंट से लाइन स्टार्ट की, इस तक आया, इस तक आके और इस तक इसको छोड़ा, तो ये मेरे पास जो लाइन ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इसके साथ इसको भी ऐड करता हूँ। और हमारे पास जॉइन की कमांड मौजूद है, जे प्रेस करके आप जॉइन को ले सकते हैं। जॉइन में ये उसकी पर्सियन लेवल है,
ये जहां पे आप देखते 0.000 inches है, आप इसका मतलब ये समझें कि अगर दोनों नोड्स आपस में इतना भी गैप रखेंगे तो ये उनको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे जितना आप उसको प्रसियन ऐड करते जाएंगे वो उतने दूरी वाले नोड्स को भी आपस में ज्वाइन करेगा। तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि दो ओपन ऑब्जेक्ट है और अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने ये ज्वाइन किया तो ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें आपको याद है हमने वैल्यूज जब चेक की थी डायमेंशन, तो 1 inches, 1 inches, 1 inches आई थी और ये अंदर से 3 inches आई थी। तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, ऑफसेट की कमांड ले, इनसाइड पे करें और इसको 1 करें। ये देखिए ऑफसेट आ गया, फिर इसको सिलेक्ट करें, 1 करें, ऑफसेट आ गया, ये आपके दो इनसाइड पे ऑफसेट आ गए। और फिर उसके बाद हमने इसको 3 पे ऑफसेट करना है, किसको करना है, इसको करना है और आप इसको ये 3 पे ऑफसेट करें। तो ये डिजाइन, इतना वाला डिजाइन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अपसाइड पे आ जाए, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, अब मैं उस तरह से जो हमने पहले काम किया यहां पे रेक्टेंगल वगैरह लगाई थी वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको यहां पे इस डिजाइन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हर बंदे ने अपने तरीके से काम करना होता है, हमें किसी को भी हम लोग कोई डिजाइन पे एतराज नहीं होता है, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है जो कभी फाइनल नहीं होती, हर देखने वाली नजर की अपनी सजेशंस होती हैं। डिजाइन करने वाले ने तो जो कोई मेहनत की होती है उसे पता होता है कि मैंने जो किया वो जबरदस्त किया, लेकिन जो हमारा क्लाइंट होता है या जो देखने वाली नजर होती है या जिसने हमें पे करना है उसको भी हमने ज़हन में रखना है। लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, बाद में अगला बंदा उस पर क्या सजेस्ट करता है वो बाद की बात है। मैं टेक्निकली एक चीज आपको बताना चाहता हूं, तो कि ये डिजाइन अगर आप देखें तो ये इसकी बाउंड्री आ रही है और वो ऊपर आप देखें कि ये कॉर्नर उसका बाहर जा चुका है। और थोड़ा सा एक जनरल नजर से अगर आप देखते हैं तो ये एरिया ज्यादा खाली हो गया यहां पे, ये देख रहे हैं, ये भी यहां से गैप ज्यादा दे रहा है और ये क्लोज हो गया। तो टेक्निकली ये चीज मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करूंगा, गलत डिजाइन में कुछ गलत नहीं होता, हर चीज ठीक होती है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो जबरदस्त होती है। मेरी एक अपनी सोच है इसके बारे में, वो आपको मैं गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि ये टेक्निकली इन चीजों को देखना है, क्योंकि डिजाइन का मतलब होता है तरतीब, खूबसूरती, यानी हमने तरतीब के साथ खूबसूरती पैदा करनी होती है, तो हमारी तरतीब सबसे पहले है। यहाँ पे आ जाए, मैं अब इस डिजाइन को यहाँ पे बनाऊंगा, चूंकि हम ये वाली साइड बना रहे हैं तो इसका मैं आगाज यहां से ऐसे करूंगा। देखिए सबसे पहले इस कॉर्नर को आपने इस कॉर्नर पे रखना है, ये आगे गया हुआ है, ये जो डिजाइन है ये आगे चला गया हुआ है, आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे लेके जाए यहां पे, ताकि यहां से और यहां से उसकी सिमेट्री कायम हो। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखिएगा यहां से मैं ये आगाज करता हूं, ये हमारे पास है 8.3, यानी इस लाइन से इसका जो डिफरेंस है वो 8.3 है। मैं बतौर रेफरेंस यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूं ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये देखिएगा इससे नहीं, ये अंदर वाली लाइन से लग रही थी। अच्छा, अब एक तो ये है कि मैंने ये उसे 8 एक रेफरेंस दे दिया और इसके ऊपर मैंने गाइडलाइन लगा दी, क्लोज करें, ये मैंने गाइडलाइन, आगे मैं गाइडलाइन के भी बारे में बताऊंगा कि आपको फिर ये काम नहीं करने पड़ेंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट उसके ऊपर जाके काम कर सकेंगे। देखें ये गाइडलाइन आ गई। अब हमने ये वाला एज भी यहां पे सिलेक्ट करवाना है, ये एज मेजर कर लें यहां से लेके यहां तक, इसका फासला क्या आ रहा है, 6.7, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, बड़ा आसान हल आपको देता हूं, ये लाइन लगाई, इसको ऑफसेट कर दें आउटसाइड पे, एक खास वैल्यू बनाएं और मैं डिलीट ओरिजिनल करता हूं और ऑफसेट कर दें, ये इस साइड पे उसने ऑफसेट किया, मैं इसको इनसाइड पे करूंगा तो ऑफसेट पे ऑफसेट कर देगा और ओरिजिनल को डिलीट कर दिया। तो ये एज हमें, ये वाला जो एज हमने बनाना है उसने हमें ये वाला दे दिया, वो कैसे था, दोबारा से डायमेंशन पे आ जाए, बल्कि यहाँ पे डायमेंशन 6.7, तो हमने इसको ऑफसेट कितना किया, 6.75। सो ये हमारे पास ये वाला एज यहाँ पे आ गया।
ये यहाँ से फासला 3 था, ऑफसेट करें इस ऑब्जेक्ट को 3 के साथ, आउटसाइड पे करें ऑफसेट, तो ये 3 आ गया। अब एक मैं गाइडलाइन यहाँ पे लगाऊं, ये गाइडलाइन लगाई, अब इस सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑफसेट करें, आर्क लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, आर्क लगाई इसके साथ, ठीक है जी, हमारे पास उसका फासला आ गया। अच्छा, अगर आप डिज़ाइन में फिजिकली फील करते हैं ना कुछ चीज़ों में फ़र्क, जैसे यहाँ पे देखें आप कहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा है, तो मैं एक सिमेट्री कायम करने के लिए इसके एज पे लेके आता हूँ। आप यहाँ पे नोड का सहारा लेंगे, एन प्रेस करेंगे नोड के लिए, ये हमारे पास नोड एडिटिंग मोड मौजूद है, इसको सेट कर लें और आप इस नोड को पकड़ के इस पे भी छोड़ सकते हैं। इस नोड को पकड़ा, इस पे छोड़ा और मिड नोड को पकड़ा, वापस यहाँ पे छोड़ दे, आप अपनी मर्जी से इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने का मकसद आप नोड को भी समझ सकें, जैसे ये देखें नोड यहाँ पे हमने यूज़ की और ये आर्क जनरेट कर ली। दोबारा से हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ से पहला पॉइंट आर्क का दिया, दूसरा ये दिया और तीसरा मैंने इसके साथ टेंजेंट कर दिया, ये देखें जो हमने गाइडलाइन लगाई थी। अब आपको आइडिया होगा गाइडलाइन लगाने का मकसद क्या है। मैं एक चीज़ बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि नए लोगों के लिए इस पे काम करना बनिस्बत ऑटोकैड के ज़्यादा आसान होगा, अगर आपने सिर्फ इसी के लिए काम करना है। हाँ, ऑटोकैड मैं समझता हूँ कि कैड सॉफ्टवेयर में एक मदर सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड जैसा टूल हमें आज तक नहीं मिला, मुझे भी इस फील्ड में 25 साल से ज़्यादा हो गया, 25-30 साल हो रहे हैं, आज तक इस जैसा टूल कहीं नहीं मिला। बहुत ज़बरदस्त टूल आया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ड्राफ्टिंग के बाद में आए हैं, लेकिन जो फीचर्स कैड में मौजूद हैं, जो आसानियां कैड ने दी हैं, वो कोई और सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये वाला जो टूल है, ये अपने काम में ज़बरदस्त टूल है, इसके ऊपर जितनी डिज़ाइनिंग आती है वो ज़बरदस्त है। तो अगली आर्क के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट और उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट, और अब ये वाली जो आर्क है ये मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप अगर इसको एवेल्यूएट करना चाहें उसी तरह से डायमेंशन की मदद से तो कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बाद में गाइड कर दूंगा। तो देखिएगा ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ये वाली आर्क लगा दी। इसी तरह से आप अगर इस आर्क को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास बहुत खूबसूरत सोल्यूशन मौजूद है, टेक्निकली समझने के लिए आप बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। मैं इस आर्क को इसके एज पे ड्रैग करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से डायमेंशन को लूँगा, यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन है, जो मैक्सिमम इसका एरिया है मैं वहाँ से, ये देखें ये लेंथन लें इसके मिड से, ये मैंने फासला लिया, ये देखिए जी कितना फासला आ गया, 6.18। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे आए, लाइन ड्रा करें, ये आर्क लगाने से पहले ये लाइन ड्रा करें, हमने क्रॉस लाइन दोनों पॉइंट का एक लाइन ड्रा की और इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे, जितनी वैल्यू यहाँ पे थी 6.18 है तो मैं यहाँ पे इसको 6.25 एक एवरेज में रखता हूँ, तो ऑफसेट करें। अब यहाँ पे चूंकि लाइन ड्रा करने की पोजिशन से बेस करते हैं कि हमने इनसाइड या आउटसाइड करना है, बिकॉज ये देखिए उसके ऊपर साथ लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट, अब इसके राइट और लेफ्ट, मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ इसको और मैं ऑफसेट देता हूँ, तो यहाँ पे ये उसका ऑफसेट आ गया। आप अगर कर्व इसके मुताबिक करना चाहते हैं तो नोड को यूज करें, एन मैंने प्रेस किया और इस नोड को पकड़ के इसके ऊपर छोड़ दें, ये आ गई, राइट क्लिक करें, कमांड को ख़त्म करें ये, और इन दोनों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली लाइन जो बतौर रेफरेंस थी, मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव करना है, ये भी रिमूव हो गई, तो ये हमारे पास उसकी मेन जो शेप है वो नज़र आ गई। अच्छा, आपको जो यहाँ पे एक डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये भी है कि हमने इस पॉइंट को यहाँ से लिया है, पहले ये नीचे, अब हम इसको डिज़ाइन बेहतर करने के लिए आप साइड पे ले गए, ये आप पे मुनसर है, आप इसको कैसे करना चाहें, आप नीचे रखें ऊपर रखें, इट्स अप टू यू। अब अगला रोल ये होगा कि इन तीनों आर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और जे प्रेस करेंगे ज्वाइन के लिए, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था ये बतौर रेफरेंस था, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इनको ऑफसेट करते जाएंगे, वन पे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑफसेट की कमांड लें,
इन साइड पर किया वन वैल्यू के साथ, ऑफसेट किया, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट करेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और थ्री पे इसको ऑफसेट करेंगे, तो ये हमारे पास डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन आपके पास मौजूद है। इसी तरह से इसका ऊपर वाला हमने कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर को भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जो इसके दरमियान में गैप है वो 3.5 का है, मैं इस गैप को ऑफसेट दूंगा, 3.5 नहीं करूंगा मैं, 4 करूंगा और इसको आउटसाइड करता हूँ। ऑफसेट किया, ये उसके बाहर वाला एज आ गया। आप गौर कीजिएगा, एक हमारी कमांड यहाँ पे मौजूद है, क्रिएट शार्प ऑफसेट कॉर्नर, तो अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो इसके कॉर्नर शार्प आएंगे, ये आपके सामने मौजूद है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो ये बाहर वाला कॉर्नर राउंड ले लेगा। तो ये बेसिकली एक फीचर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, आप लाइन को, पॉलीलाइन को ले लें, पॉलीलाइन आप यहाँ से किसी भी एज से शुरू करें, यहाँ पे आए और ये किया, ट्रिम की कमांड यूज़ करें, ये ट्रिम मैंने किया, इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, इस एक्सटेंडेड को ट्रिम किया, ये मैंने इजाफी ऑब्जेक्ट ट्रिम किया, ये इजाफी ऑब्जेक्ट ट्रिम किया और यहाँ से भी इन साइड पर मैंने उसको ट्रिम किया। तो ये हमारे पास एक शेप मौजूद है, ये ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन हो गए, जब हम ट्रिम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रही होती है। इसको भी हम ऑफसेट देंगे, ऑफसेट इसका इनसाइड पे होगा, 1 इंच पे होगा, ये मैंने इसको 1 इंच पे दिया। आप अगर डिज़ाइन की सिमेट्री करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा और भी इसको ऑफसेट कर दें, ये मैंने एक दफ़ा और ऑफसेट किया, तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीट हुआ। अब हम आगे जो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक डिज़ाइन इसके अंदर बना हुआ है। अगर आप गौर करें तो डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ से आर्क निकल के इसके साथ जा रही है, यहाँ से इसके साथ जा रही है और ऊपर से एक उसका लीफ बन रहा है, पत्ती बन रही है। तो इसको यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इन साइड पर सर्कल का जो साइज था वो था 3.25, तो देखिएगा मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूं इस मिड पॉइंट से, थ्री पॉइंट फाइव किया, यहां से आप उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इसकी वैल्यू को यहां पे चेंज किया, आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 3.5 पे ही रखूंगा और उसके बाद इसका जो बाहर वाला ऑफसेट था वो देखें, वो 5.5 आ रहा है, यानी मैं इसके बाहर एक ऐसा और सर्कल लगाने जा रहा हूँ जो जिसकी वैल्यू 5.5 होगी। ये देखिएगा 5.5, और मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। मतलब कि इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं काम करने के, आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे एग्जैक्ट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखो, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, असर को सेलेक्ट करें तो ये भी मैं 18 पूरा करता हूँ तो ये भी मूव हो गया। इसी तरह से इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इतना वैसे इशू नहीं है, बहुत माइनर वैल्यू थी लेकिन परसीन होनी चाहिए। अच्छा जी, ये दो सर्कल इनसाइड के ड्रा हो गए। अब इन दोनों के मिड में भी एक सर्कल बतौर रेफरेंस लेने जा रहा हूँ। ये डिज़ाइन थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इन दोनों के दरमियान में मैं गैप देखता हूँ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप आ रहा है वो आप देखिएगा 2.75 आ रहा है, 2.75 का अगर हम हाफ लेते हैं तो देखिएगा, आप यहीं पे कैलकुलेटर को ले सकते हैं, 2.75 1.375। तो मैं किसी एक सर्कल को ऑफसेट दे देता हूँ, इनसाइड पे 1.375, ये देखिए जी, ये हमारे पास बतौर रेफरेंस आ गया। अच्छा, डिज़ाइन को थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, ये टोटल सेगमेंट कितने हैं इसके बने, यानी डिज़ाइन कितने हैं इसके अंदर, पत्तियाँ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैं एक लाइन लगा के उसको 24 हिस्सों में रे करवाऊंगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे इसका मिड भी ये भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ,
इस पॉइंट तक, और यहाँ पे हम सर्कुलर कॉपी या सर्कुलर अरे पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसके 24 हिस्से करता हूँ, 360 डिग्री पे मैंने इसे अरे करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है उसका रोटेशन सेंटर। इसको मैं 18 पूरा करता हूँ, ये इसका ना रोटेशन सेंटर, आप उठा के ड्रैग करके जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये रोटेशन सेंटर यहाँ पे रखा, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज मौजूद हैं तो आप यहाँ पे इसको वो भी चेंज कर सकते हैं। देखें मैं इसको 18 पूरा भी करूँगा तो वो एग्जैक्ट उस पर आके एंटर किया तो उसने अरे कर दिया, ठीक हो गया। इसको मैं ऑफसेट लिया, इनसाइड पे वो लाइन दोबारा से आ गई, वो जो हमने पहले एक प्रैक्टिस की। इसी तरह से अब वो वाला डिज़ाइन जो हमने देखा वो वाला बनाएंगे। इस कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे ये पत्ती, इसको मिरर करवा दूंगा राइट साइड पे, क्लोज किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ज्वाइन करके मैंने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा हमारे सामने डिज़ाइन आ रहा था वो ये, एक मैंने आर्क बनाई, इसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, ये किया शिफ्ट और रख के मैंने उसे यहाँ पे ये वाला किया। इसी तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यही आर्क दोबारा यहाँ पे आ गई और मैंने इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच दिया। इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ बड़ा करता हूँ। वो जो हमने एक नीचे लाइन लगाई थी उस लाइन को मैंने इसके साथ में ला दिया यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे किया, ये ग्रुप मैंने रिमूव किया, ये लाइन रिमूव की, और ये जो डिज़ाइन है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया। मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करता हूँ, वैल्यू 38 यहाँ पे दी और इसको यहाँ पे 12 वैल्यू दी, कॉपी किया तो ये वो वाला डिज़ाइन आ गया। आपको ये अच्छा लगता है तो ये कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कुछ फील कर रहे हैं, ये देखें कि आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, ये देखें छोटा किया, इसको आपस में इनको भी ज्वाइन करें, जे प्रेस करके मैंने ज्वाइन कर दिया। इनको भी अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म के थ्रू बड़ा छोटा करना, ये अब आपके डिज़ाइनिंग है, आप कैसे करना चाहें क्या करना चाहें, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे इसको लिया, अगर ऊपर से थोड़ा सा छोटा करना है तो ये मैंने उसके एजेस के साथ मिला दिया। यहाँ पे आप देख लें ये, क्योंकि इनको बाद में हमने ज्वाइन भी करना है तो ये डिज़ाइन आपका ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा मैंने अप साइड पर किया इसको, और ये जो नीचे लाइन है इसको मैंने ड्रैग करके इसके साथ मिला दिया। तो ये सब डिलीट, इसको अरे किया और इसको, तो इस तरह से हमारे पास ये एक डोर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर रहा हूँ, पूरा डिज़ाइन मैंने ग्रुप किया कंट्रोल जी के साथ, काम करना आसान होगा, लाइनें बिखरेंगी नहीं। आप बाहर वाले ऑब्जेक्ट को साथ पकड़ें और यहाँ से इसको मिरर करवाएं राइट साइड पे, तो ये कंप्लीट डोर आपके पास मौजूद है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये तमाम डायमेंशन इसकी मैंने डिलीट कर दी। नाज़िम ये डिज़ाइन जो मैंने प्लान किया था और जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अब देखिए आपके ना डिज़ाइन की हर तरफ से सिमेट्री मौजूद है। ये कॉर्नर स्पेशली आपका बराबर लग रहा है, पहले ये कॉर्नर यहाँ पे खाली खाली स्पेस ओवर लग रही थी। तो ये डिज़ाइन आपके पास मौजूद है, मैं इस फाइल को सेव करके अपनी ड्राइव पे रखूँगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में से इसको ले सकेंगे।
इसकी इमेज फाइल भी मैं रख दूंगा एक्सरसाइज के लिए, ये डिज़ाइन भी मैं वहाँ पे रख रहा हूँ, आप वहाँ से उठा सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बड़ा कारामद होगा। नाज़रीन, दोबारा मिलेंगे अगले असाइनमेंट के साथ। अगले असाइनमेंट में इसी डोर का जो साइड विंडो होती है उसके डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन होगी, उसमें आर्क्स वगैरह को यूज़ करते हुए वो डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। उस डिज़ाइन का थोड़ा प्रीव्यू आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही वाला डिज़ाइन हमारी अगली असाइनमेंट होगी। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो बरवक्त आप तक पहुँच सके। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी एक नए टूल्स के साथ, नई टेक्निक के साथ, एक नए अज़म के साथ।